और सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन भारत में बारिश का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किस वेदर पैटर्न की वजह से देश में बरसात हो रही है? आखिर देश में बारिश का प्रशांत महासागर से कनेक्शन क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सितंबर में भी भारी बरसात की आफत, मौसम का ये मिजाज हैरान कर देने वाला है। बरसात की मुसीबत बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रही है। सितंबर में आफत के लिए क्या कुदरत का बिगड़ैल बच्चा जिम्मेदार? आखिर ये बिगड़ैल बच्चा कौन है? क्यों सितंबर की आफत को इससे जोड़कर देखा जा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले सितंबर में कुदरती आफत की तस्वीरों पर गौर करते हैं। नदी के कटाव में बिहार के पूर्णिया में इमारत ढह गई, नदियों का मकान तोड़ मिजाज डरा रहा है, इमारतों की लगातार जल समाधि हो रही है। कभी पूर्णिया तो कभी भागलपुर विनाशकारी साबित हो रहा है नदियों का कटाव। नदी के कटाव में पेड़ उखड़ रहे हैं। यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है। मॉनसून सिर्फ लौट नहीं रहा, बारिश के साथ कई इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। क्या सितंबर में बारिश और बर्फबारी की वजह ला नीना? जब भी प्रकृति के बिगड़ैल दो बच्चे यानी विनाशकारी वेदर पैटर्न की बात होती है तो अल नीनो और लाल नीना का जिक्र होता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो नेपाल की राजधानी काठमांडू का बताया जा रहा है, जहां टीन शेड पर तीन लोग खड़े हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि टीन से बना ये घर भरभरा कर गिर जाता है और ये लोग पानी की तेज धार में बह जाते हैं। नेपाल में नदियों का जलस्तर कितना बढ़ चुका है इस वीडियो से इसका एहसास हो रहा है। पुल के नीचे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसने पुल के पास से गुजर रहे बिजली के तारों को अपनी चपेट में ले लिया है। नेपाल में बारिश का असर बिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। सुपौल की ये तस्वीरें हैं, यहाँ कोसी नदी उफान पर है। वैसे बारिश का असर सिर्फ बिहार और यूपी में देखने को नहीं मिल रहा, बरसात का असर देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। गुजरात के साबरकांठा में पानी के तेज बहाव में दो लोग बह गए। यहां पुलिया पार करते वक्त हादसा हुआ, किसी तरह एक शख्स को बचा लिया गया। वैसे गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है, सड़क पर नदी का पानी बह रहा है। जो मौसम का मिजाज है उससे यही लग रहा है कि ला नीना का असर तेज हो गया है। सितंबर में औसतन बारिश 16.8 सेंटीमीटर है। मौसम वैज्ञानिक पहले ही ला नीना के असर से सितंबर महीने में औसत से 9% ज्यादा बारिश का अनुमान जता चुके हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे सितंबर के वेदर पैटर्न में साफ साफ बदलाव नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।